हेलो दोस्तों, आई एम सोमोजीत। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। तो भाई लोग, ये है हमारा नया रियलमी 2 और जहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है कलरवेस का एक नया वर्सन। बहुत चीज़ें अपडेट हुआ है, आप देख सकते हैं इसका ऐप ड्रॉयर, आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन पैनल, चेंज बहुत कुछ हुआ है। बताएंगे चेंज एक के बाद है कि ये वीडियो आपको पूरा देखना है। सिक्योरिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है, चीज़ें में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है, क्लोन ऐप्स बहुत कुछ इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल फ़ोन का जो कंडीशन है वो बहुत सही लग रहा है और काफ़ी स्मूथ रिस्पॉन्स मुझे अभी मिल रहा है। देखते हैं बाकी आगे जाकर क्या होता है। बॉक्स के बारे में जो वीडियो है वो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा चेंजेस लॉक क्या कुछ है और कहाँ जाके आपको वो चेंजेस दिखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपडेट लॉक को ओपन करता हूँ। आपके सामने अपडेट लॉक आप देख सकते हैं। अपडेट लॉक के अंदर सबसे पहले है एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच 2019। तो चलिए एक बार हम लोग जाते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग्स में और जाते हैं अबाउट फोन सेक्शन में। अबाउट फोन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कलरवेस 6 है, कलरवेस 6001 नहीं है। अब मुझे जो लगता है कलरवेस 6001 नवंबर मंथ में आएगा और उसी के साथ आपको डार्क मोड का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद शायद कलरवेस 6001 होगा। आप थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं हमें यहाँ पे अपडेट के बारे में। देखिए यहाँ पे वर्सन नंबर है 11.8.61 जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। और एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हैं अक्टूबर 5, 2019, यानी एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच हमारे अंदर आ चुका है। अभी बात करते हैं सिस्टम के बारे में। आप बताऊँगा आपको चेंजेस लॉग एक के बाद एक, बहुत ही डिटेल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देखते रहिए, क्विकली एंटर द हिडन एप्लीकेशन लिस्ट विथ फिंगरप्रिंट, ओनली रियलमी 2 के लिए अवेलेबल है। तो आप सोचेंगे ये कहाँ पे अवेलेबल होगा, कहाँ से ये सेटिंग्स को लिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है फिंगरप्रिंट ऑप्शन में। फिंगरप्रिंट ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट में जाना है। आपको सिंपली लॉक को ओपन कर लेना है। तो उसी टाइम थोड़ा एक ब्लैक मार्कर आया होगा, आप यहाँ से आप फिर से देखते रहिए। तो ये ओपन करने के बाद आपके सामने इतना ही ऑप्शन था, ऐड ए फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट 1, 2 जो फिंगरप्रिंट आप लोग इंक्लूड करते थे, उसके बाद यूज़ फिंगरप्रिंट फॉर ये सब। पर यहाँ पे नया एक ऑप्शन इंक्लूड हुआ है जो कि है फिंगरप्रिंट फॉर हिडन ऐप क्विक स्टार्ट। तो अब मैं यहाँ पे जो कि फिंगर 2 को सिलेक्ट कर दिया हूँ। अभी फिंगर 2 यानी मेरा जो फिंगर 2 है, उस फिंगर 2 से अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली फिंगरप्रिंट को दबाता हूँ यानी फिंगर को ओपन करता हूँ लॉक करने के बाद, तो डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन एकदम हिडन स्टेज में ओपन हो जाएगा, यानी हिडन फोल्डर के स्टेज में ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको करके इसीलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम वो पूरा एरिया ब्लैक मार्क आ जाएगा। आप यहाँ से फिंगर 1 या 2 को सिलेक्ट करके एक बार करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो ये हो गया भाई पहला अपडेट। बात करते हैं सेकेंड अपडेट, एडेड मैनुअल लॉक फीचर्स ऑन लॉन्ग प्रेस पावर बटन। तो चलिए इसे दिखाते हैं, ये काफ़ी सही फीचर्स है। यहाँ पे जो आपका प्राइवेसी है उसको काफ़ी हद तक ध्यान में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, जैसे कि मैंने अभी प्रेस कर रहा हूँ। देखिए अब प्रेस करने के साथ ही आपके सामने एक ऑप्शन आता है जहाँ पे रजिस्टर एंड स्विच ऑफ बटन है, उसी के साथ सिक्योर लॉक बटन आता है। तो सिक्योर लॉक को मान लीजिए मैंने प्रेस कर दिया। अभी आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पे आ चुका हूँ। पर ये लॉक स्क्रीन में आने के बाद ना यहाँ पे फिंगरप्रिंट काम करेगा, ना यहाँ पे फेस अनलॉक काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक मैं यहाँ पे मेरा जो पैटर्न को प्रेस ना करूँ। तो चलिए पैटर्न को एक बार प्रेस करके बाहर आते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो जैसे कि आपने देखा कि सिक्योर लॉक बटन पे प्रेस करने के साथ साथ काफ़ी अच्छे से ये काम करता है। तो ये एक चेंजेस है। आप बात करते हैं कस्टमाइजेबल डेटा कंज्यूम रिमाइंडर। आप सोचेंगे ये डेटा कंज्यूम रिमाइंडर क्या है। आप जब आपका 1 GB या 2 GB ख़त्म हो जाता है, आपका जितना इंटरनेट के हिसाब से आपने सेट कर रखा है 1 GB 2 GB 5 GB, उसके बाद आपको एक रिमाइंडर मिलता है। पर ये रिमाइंडर अब तक रियलमी खुद सेट कर रहा था, अभी हमारे ऊपर ये रिमाइंडर का फैसला वो लोग कर दिए हैं। तो सबसे पहले अगर ये चेंजेस लॉग आपको देखना है तो डायरेक्टली डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क में जाइए और यहाँ पे आपको डेली डेटा रिमाइंडर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली जाइए, यहाँ पे नीचे आपको कस्टम का मिलेगा। अभी मैं कस्टम में मैं 200 MB भी कर सकता हूँ और करने के बाद अगर मैं ओके दबाता हूँ तो 200 MB के बाद मुझे यहाँ पे रिमाइंडर देना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका 200 MB कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप 2 GB भी दे सकते हैं, 2000 कर दीजिए तो यहाँ पे 2000 MB, 2024 MB यानी 2 GB तक भी हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर्स है।
अब बात करते हैं अपडेटेड बैटरी इंटरफेस। ध्यान से देखते रहिए भाई, सब कुछ फीचर्स में एकदम से बता दूंगा आपको। अपडेटेड बैटरी इंटरफेस, तो सेटिंग्स में आने के बाद आपको बैटरी देखने को मिला है और उसी बैटरी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। आप देख सकते हैं मैं एक के बाद एक फीचर्स को यहाँ पे बोल रहा हूँ। सबसे पहले इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, स्मार्ट पावर सेविंग रिकमेंडेड। यहाँ पे स्मार्ट पावर सेवर को अगर आप ऑफ करते हैं तो आपको यहाँ पे कस्टम पावर सेवर का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके हिसाब से आप हर एक ऐप को इंडिविजुअली कस्टमाइज कर सकते हैं पावर सेविंग के हिसाब से। पर अगर आप स्मार्ट पावर सेविंग को इनेबल कर रखते हैं तो हर एक जो कि एप्लीकेशन से उस एप्लीकेशन में स्मार्ट पावर सेविंग इनेबल हो जाएगा। आप पावर सेविंग ऑप्शन को आप तो पता ही है, स्लीपिंग मोड ये तो होता ही है जो पहले से था, पर यहाँ पे नया चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। आप यहाँ पे आप ब्राइटनेस मोड में भी रख सकते हैं और हाई पावर एफिशिएंसी मोड में भी रख सकते हैं, पर इसको आप ऑफ ही रखिए तो ही अच्छी बात है। पर अगर आप बैलेंस मोड में रखते हैं तो काफ़ी सही बात है, थोड़ा बहुत एक हल्का डार्क सा फीलिंग आपको आ जाएगा, जिसके हिसाब से आपका स्क्रीन का जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो कम जाएगा। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे ही रखने दीजिए। अगर हाई पावर एफिशिएंसी कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा लो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसके हिसाब से आपका जो लॉन्चर है, जो स्क्रीन है, काफ़ी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट बैटरी ऑप्टिमाइज़ करता था, वो बहुत ज़्यादा बैटरी ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, काफ़ी कम हो जाएगा। आपका बैटरी बैकअप भी बहुत सही हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, कहाँ गया, हाँ अब हम बात करते हैं भाई एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन का नाम है एडेड गूगल डिजिटल वेब लिंक। तो ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे, रियलमी में कब आएगा, रियलमी 2 में, C1 में कब आएगा। तो चलिए भाई लोग, आ चुका है डिजिटल वेब लिंक एंड पर्सनल कंट्रोल, पर्सनल कंट्रोल जो भी हो। तो यहाँ पे आप लोगों को डिजिटल वेब लिंक देखने को मिला है। ये देखिए Realme 2 का डिजिटल वेब लिंक, इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्या कुछ करना होता है ये दिखा दिया, कहाँ से इसको ओपन करना है आप खुद ही इसको चेक कर सकते हैं, इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो कमिंग सून। आप बात करते हैं भाई नेक्स्ट अपडेट के बारे में, देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या कुछ है। नेक्स्ट अपडेट है ऑप्टिमाइज द लॉक स्क्रीन एंड क्लॉक विडगेट। एक बार के लिए मैं लॉक स्क्रीन में जाता हूँ, तो मैं आ चुका हूँ लॉक स्क्रीन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लॉक विडगेट थोड़ा अलग हो चुका है, यहाँ पे सीधे हुआ करता था, अभी 9:53 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे आप सीधे देख सकते हैं, पहले कुछ अलग ही हुआ करता था। तो ये एक चेंजेस है एडेड डेट एंड वेदर विडगेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे होम स्क्रीन में एक नया विडगेट है, इसको कैसे इनेबल करना है, सिंपली जाइए होम स्क्रीन को, ऐसे आप स्वाइप अप डाउन कीजिए, डबल स्वाइप कीजिए, उसके बाद विडगेट का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको ये पहला वाला डेट एंड विडगेट को लेके आपको यहाँ पे प्रेस करना है। इसके पहले ऐसा हुआ करता था, अभी ऐसा हो गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा चेंजेस है। अभी हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमाइज स्मार्ट असिस्टेंट इंटरफेस। स्मार्ट असिस्टेंट इंटरफेस को ऑप्टिमाइज़ किया गया है, आप देख सकते हैं स्मार्ट असिस्टेंट का जो इंटरफेस है वो कुछ चेंजेस हुआ है। अगर आप प्लस आइकॉन में भी दबाते हैं वहाँ भी चेंजेस हुआ है, रिकमेंडेड है, ट्रैवल है, लाइव है, अभी कुछ चेंजेस है। अब इसी हिसाब से आपने आपको अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन सेंटर स्टेटस बार की। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है स्वाइप लेफ्ट और राइट टू रिमूव द मैसेज प्रॉम्प्ट आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है ट्विटर का जब मैसेज आता है, व्हाट्सअप का जब मैसेज आता है, इंस्टाग्राम का जब फॉलोअर्स आते हैं, तब यहाँ पे ऊपर में ऐसे कुछ इस तरीके से एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाते हैं, जिसको हम अभी तक स्वाइप आपके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, पर अभी नया अपडेट मिलने के बाद से आप लोग यहाँ पे स्वाइप लेफ्ट राइट या अप डाउन कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे अपडेट को पुश कर दिया गया है। आप बात करते हैं रीडिज़ाइन द नोटिफिकेशन सेंटर स्टाइल। नोटिफिकेशन सेंटर स्टाइल को रीडिज़ाइन कर दिया गया है, ये देखिए नोटिफिकेशन सेंटर स्टाइल न्यू से रीडिज़ाइन हो गया है, और उसी के साथ न्यू जो कि आइकॉन्स वगैरह आ चुके हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। आप थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट अपडेट के बारे में, एडेड स्वाइप डाउन होम स्क्रीन टू एक्सेस द नोटिफिकेशन सेंटर। तो यहाँ पे स्वाइप डाउन करने के साथ से आप नोटिफिकेशन सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं, कुछ इसी तरह से स्वाइप डाउन करिए और नोटिफिकेशन सेंटर को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एडेड स्विच टू स्विच, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, एडेड ए स्विच ऑफ नोटिफिकेशन डॉट्स फॉर अपडेट। आप सोचेंगे ये कहाँ पे है, चलिए ये भी मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आपको जाना पड़ेगा, एकदम लास्ट में आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन डॉट फॉर अपडेट्स। यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो डॉट है, क्योंकि कोई भी एक न्यू एप्लीकेशन अपडेट हुआ है, ये देखिए नोटिफिकेशन डॉट, यहाँ पे टिक टिक में एक ब्लू डॉट है, और सबसे ऊपर में न्यू एक डॉट मार्कर आएगा अगर आपका न्यू अपडेट आया है उसी के हिसाब से। तो ये है कुछ अपडेट जो अपडेट रियलमी 2 में आया है। यहाँ पे फिक्स जो बग्स क्या गया
किया है उसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे बता दिया आपको अपडेट लॉक क्या कुछ है, क्योंकि ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा दिया, अभी आप देखो कि आपको ये ढूंढने में आसानी हो रहा है कि नहीं। अभी आप फ़ोन को यूज़ करो, डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो भाई लोग बस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करते रहना। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।